हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेदिक एकेडमी। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने हाइड्रोस्फेयर को अच्छे से पढ़ा और जाना कि हाइड्रोस्फेयर के डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि रिवर्स, ग्लेशियर्स, इसके अलावा सी वेव्स के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बने। तो ये हाइड्रोस्फेयर का लास्ट वीडियो होगा, इसमें हम जानेंगे कि ग्राउंड वाटर के कारण कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The Vedic Academy। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अभी तक हमने रिवर्स, ग्लेशियर्स और ओशियन वेव्स के कारण तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पढ़े, और अब ये जो फाइनल चैप्टर है इसमें हम हाइड्रोस्फीयर को खत्म करेंगे ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर को भी हाइड्रोस्फेयर का एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, भले ही ये अंडरग्राउंड मौजूद होता है लेकिन फिर भी इसे हाइड्रोस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जनरली इरोजन कहाँ पे करेगा? तो ये वहाँ पे इरोजन करता है जहाँ पे रॉक्स जो है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे सोल्यूबल इन वाटर है उसे धीरे धीरे एक तरह से ग्राउंड वाटर डिजॉल्व करते जाता है और उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो मेजर रॉक जो कि सोल्यूबल इन वाटर है और जिसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और वो है लाइमस्टोन। ठीक है, जहाँ भी लाइमस्टोन पाया जाएगा वहाँ पे आपको कुछ ग्राउंड वाटर के कारण फीचर जरूर नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से फीचर्स होंगे अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है वो केव्स हो, सिंक होल्स हो, क्या होगा और ये सारे फीचर्स कौन कौन से हैं इन्हें हम जान जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंक होल्स देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी ज़मीन में एक अनप्रेडिक्टेड जगह पे ऐसे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, और ये अचानक पता नहीं चलता और अचानक ज़मीन से धंस जाती है। ठीक है, और इन्हें ही कहते हैं सिंक होल्स। ये कहीं भी हो सकता है, आपके घर के नीचे भी अचानक से हो सकता है, हो सकता है रोड पर हो, कहीं एक मैदान में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंक होल्स बनते कैसे, चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। तो सपोज कहीं की कहीं पर रॉक जो मौजूद है वो लाइमस्टोन का है और उसके ऊपर एक पतला सा सॉइल का लेयर है। ठीक है, बहुत ही पतला सा, और उसके नीचे रॉक जो है वो लाइमस्टोन है। तो जब वाटर इस पे से बहता है कभी भी रेनी सीजन में या फिर जब भी परकोलेट होता है वाटर, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के कारण ये धीरे धीरे एक तरह से डिजॉल्व करने लगता है और ऊपर का जो सिर्फ पतला लेयर है वो बच जाता है सॉइल का। ठीक है, और नीचे एक खोखला ज़मीन पैदा हो जाता है। ठीक है, डिजॉल्व के कारण तो फाइनली ये खोखला ज़मीन गिर जाता है और फॉर्म करता है सिंक होल। ठीक है, ऊपर का जब सॉइल काफ़ी पतला बच जाता है, ठीक है, तो वह अचानक से एक बार में कोलैप्स कर जाएगा और फॉर्म करेगा सिंक होल। ठीक है, तो ये तो था सिंक होल। सिंक होल के बारे में आपको क्लियर हो गया ये कैसे दिखते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन डिजॉल्व होने के कारण सिंक होल बनते हैं। अब देखते हैं केव्स को। तो केव्स आप जानते ही हो क्या होते हैं, गुफा को केव कहते हैं और ये अंडरग्राउंड मौजूद होते हैं। हो सकता है इसका ओपनिंग हो जो कि बाहर निकलता, हो सकता है ओपनिंग ना भी हो। ठीक है, तो ये केव्स कैसे बनेंगे? तो केव्स यूजुअली बनते हैं साइडवेज इरोजन से। ठीक है, जब नीचे का बेडरॉक यानी जहाँ पे लाइमस्टोन ख़त्म होगा वहाँ पे एक इम्परमीएबल बेडरॉक हो, यानी पानी को डिजॉल्व, पानी में डिजॉल्व नहीं होने वाला और पानी को आर पार भी अपने द्वारा नहीं होने देने वाला, तो क्या होता है पानी फिर साइडवेज ट्रैवल करेगी। ठीक है, और जब ग्राउंड वाटर इधर उधर ट्रैवल साइडवेज करेगा तो वो साइडवेज डिजॉल्व करेगा और इसी प्रकार एक खोखला जो गुफा होता है वो एक लैटरल गुफा केव फॉर्म करता है और इसी को कहते हैं केव। ठीक है, तो जब वो वर्टिकल गुफा बन रहा है और उसके कारण ऊपर से मिट्टी धंस जा रही है तो उसे सिंक होल कह रहे हैं, और वही जब साइडवेज एक तरह से मिट्टी लाइमस्टोन को काटते हुए केव बना रहा है तो वो केव कहा जाता है। ठीक है, अब फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं और वो है स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि स्टेलेक्साइट स्टेलेगमाइट क्या होते हैं और ये किसके द्वारा बनते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं? ग्राउंड वाटर के इरोजन के कारण बनते हैं और डिपोजिशन के कारण बनते हैं। कैसे, तो कैसे दिखते हैं सबसे पहले देख लीजिए। ये जो अभी हमने केव का फोटो देखा इसमें ऊपर से आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर और नीचे से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉइंटेड उन्हें ही कहा जाता है स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं अब ये देख लेते हैं। अब ग्राउंड वाटर जो केव में होता है वो बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में ऐसे चूते रहता है। ठीक है, तो जब ये ड्रॉपलेट्स में फॉर्म करेगा तो इसमें लाइमस्टोन डिजॉल्व्ड है क्योंकि लाइमस्टोन को डिजॉल्व करके ही ये केव बना है। ठीक है, तो वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जब धीरे धीरे ड्रॉप फॉल कर रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ पर डिपोजिशन भी होते जाता है। ठीक है, ये डिपोजिशन ऊपर भी होगा जहाँ पे से ड्रॉप गिर रहा है और नीचे की तरफ भी होगा जहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि
बिल्कुल ही पॉइंटेड पॉइंटेड एक कह सकते हैं कि जालीदार टाइप का स्ट्रक्चर होगा, पॉइंटेड पॉइंटेड नोकीला सा, और इन्हें ही कहते हैं स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट। जो ऊपर लटकता है उसे कहते हैं स्टेलेक्साइट, और जो नीचे ड्रॉप होने के कारण बनता है वो होता है स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं और क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें ग्राउंड वाटर में इन्हीं तीन को पढ़ना था सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट है, आपको याद रखना है। तो चलिए, इसी के साथ हमने हाइड्रोस्फेयर को कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमने लेक्स, ओशंस, रिवर्स, ग्लेशियर, और अब पढ़ लिया ग्राउंड वाटर को भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ 11 रुपए देकर सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।